मेरे प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वृंद्र योगी जिंदगी भर सफलता की तलाश में आगे बढ़ता रहा, सफल होते रहे, सफलता की चीढ़ियों चढ़ते रहे और ऐसे महान सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया। हिंदुस्तान की धरातल पर जितने भी महान व्यक्ति हुए उनके जीवन के बारे में पढ़ा। रतन टाटा हो, जीवी कृष्णा रेड्डी हो, आनंद महिंद्रा हो, अंबानी हो और अनेक ऐसे महान व्यक्तियों का चित्र चित्रण किया, उनके जीवन के दिनचर्या से सीखा और इससे भी आगे विश्वविख्यात महापुरुषों के जीवनी को भी पढ़ा। भले स्टीव जॉब हो, बिल गेट्स हो, एलोन मस्क हो, बेजोस हो, जकरबर्ग हो, ये सारे आधुनिक महान व्यक्ति हैं, या कुछ पुराने जमाने के लोग हों, एंड्रू कार्नेगी हो, डॉक्टर नेपोलियन हिल हो, और नाइंगिल हो, राल्फ वाल्डो इमर्सन हो, ऐसे अनगिनत महापुरुषों की जीवनी के बारे में मैंने पढ़ा और तब इस निष्कर्ष पर आया कि जितने भी महान व्यक्ति थे उन्होंने अपने जीवन की महत्व को समझा। ये जीवन क्षणभंगुर है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ दिनों के बाद हम इस धरती से चले जाएंगे और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे कवि कबीर दास ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। मीन्स रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, हम केवल कितनी लंबी आयु जिए कछुए की तरह, इससे हमारी महानता की परख नहीं होती, पहचान नहीं होती। हमारे किए हुए कर्मों के द्वारा आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी या हमें भुला देगी। इसलिए जितने भी महान व्यक्ति हुए उनके जीवन में एक लक्ष्य था। तो याद रखिए, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करिए और लक्ष्य ऐसा हो जिस तरह कि अर्जुन ने एक चिड़िया के आँख की पुतली को बेचने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, एक बिल्कुल सटीक लक्ष्य हो। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या एक व्यवसायिक व्यापारी बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, या मेरी तरह एक मोटिवेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या एक योगा गुरु बनना चाहते हैं जैसे रामदेव। तो आप अगर लक्ष्य निर्धारित कर दिए तो हमारे गुरु कहते थे वेल बिगन इज हाफ डन, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आधा काम तो हो गया भाई। अब क्या है, लक्ष्य पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो उस लक्ष्य को अच्छी से समझते हो, दक्षता हो, पारंगत हो, जिन्होंने उस लक्ष्य के बारे में अनुभव किया हो उनका सहयोग कीजिए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मास्टर माइंड अलायंस पार्टनर, उन गुरुओं के पास जाइए और थोड़ा ज्ञान ले लीजिए। जैसे कि हिंदुस्तान में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग आईएएस यूपीएससी की परीक्षा और जेई आईआईटी एंट्रेंस की परीक्षा या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की परीक्षा के लिए कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, वो सही करते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी अध्ययन के बाद उस सारी चीज़ को समझ जाते हैं और बहुत ही कम समय में अपने जो इच्छुक लोग हैं उनको बता देते हैं। तो इसको दूसरा है कि अलायंस पार्टनर बनाइए जो आपको सहयोग करें दिल से। और तीसरा है आत्मविश्वास, आप में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ, तेरा साई तुझ में जो पहुपन में बास, कस्तूरी जो मृग में फिर सुंगे घास, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो प्यारे दोस्तों, आत्मविश्वास है जो कि आपको ये झलक दिखाता है कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुम्हारे मस्तिष्क में विराजमान है, लेकिन ये सुसुप्त अवस्था में इसे जगाओ। और जो महान महान इतने वैज्ञानिक हुए, अनुसंधान करता हुए, कलाकार हुए, साहित्यकार हुए, लेखक हुए, वो सारे लोग अपने मस्तिष्क में ही उस चीज़ को तलाश लिया। इसीलिए आप अपनी बुद्धि को समझो, सोचो और उस पर विश्वास रखो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव फॉर यू। जो मस्तिष्क
जिस चीज़ पर विश्वास करेगा कि ये आप कर सकते हो, आप कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप सोचिए कि मेरी मस्तिष्क इतनी क्षमता से पूर्ण है कि जो भी इसको हम काम देंगे वो करके मुझे दे देगी। जैसे कि फकीर योगी, वृद्ध योगी इसमें विश्वास करता है। और हमारे गुरु हैं डॉक्टर जे वी कृष्ण रेड्डी, इन गुरुओं के बदौलत आज मैं लाखों लाखों हिंदुस्तान की बेटी और बेटों को ज्ञान दे रहा हूँ और विश्व में ये सारी बातों को पहुँचा रहा हूँ। हमारे ऐसे महान गुरु रहे जो पहुँचाते रहे। लेकिन जान के भी अगर आप अनजान बनेंगे तो महान नहीं बन पाएंगे। आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक अजीब तरह की आप में दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, अपने कर्तव्य के परे निष्ठा होनी चाहिए, जिसे अंग्रेजी में पैशन बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बर्निंग डिज़ायर। आपकी इच्छा केवल एक छोटे क्षणों के लिए केवल उम्मीद नहीं हो, कोई एक छोटी कल्पना नहीं हो, एक ऐसी कल्पना हो जिसके लिए आप ये सोचिए जिए तो जिए बिन आपके, कि आपके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। दिल दिया है जान देंगे, ये लक्ष्य तेरे लिए। अगर अब सब कुछ नौछावर करने को तैयार है तो आपके लक्ष्य को जरूर प्राप्ति होगी। और इस विश्वास से आगे बढ़िए। और तीसरा है कठोर परिश्रम की, कठोर परिश्रम की। सोने की तरह जब चमकोगे, जब जलोगे, तपोगे तो चलोगे, आयन ओर की तरह जब भट्टियों में जलोगे तो स्टील बनोगे। इसीलिए कठोर परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये चार चीज़ जिसको नेपोलियन हिल ने बहुत, फोर मेजर फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, ये सफलता की सबसे बड़ी जो कुंजी है, जिसे नेपोलियन हिल ने कहा था, चार चीज़ हैं। अंग्रेजी में कहा डेफिनेशन ऑफ पर्पस, जिसे मैंने हिंदी में कहा आपका निर्धारित लक्ष्य निश्चित हो, बिल्कुल निश्चित हो। ऐसा नहीं है कि सफल हो, क्या सफल हो जाएंगे भाई, परिभाषित करिए। ओके, इसके बाद मास्टर मन अलायंस पार्टनर, आप एक पार्टनर खोजिए जिसे आप गुरु बोलिए या माता पिता बोलिए, जो कि आपके लक्ष्य से इतना ही प्यार करे जितना आप क्या करते हैं, और आपको सहयोग करने के लिए हर तरह से तैयार हो, धन से, मन से, वचन से, कर्म से, आपको शाबाशी दें और आपको लक्ष्य पहुँचाने में आपकी मदद करें। क्योंकि तो कोई भी व्यक्ति बिना किसी दूसरे के सहयोग के कभी न सफल हुआ है और न कभी सभी होगा। सहयोग की आवश्यकता है। अगर माता पिता सहयोग नहीं करते मेरे भाई, तो आप और हम जन्म भी नहीं लेते। तो जब हमारे जन्म ही सहयोग से हुआ है माता पिता के द्वारा, तो और ज़िंदगी में जितने भी चीज़ें, प्रकृति के नियम कभी बदलते नहीं। सहयोग से ही सफलता मिलती है। क्योंकि हम ऐसे अद्भुत अनंत ज्ञानी नहीं है कि सारी क्षमता मुझ में ही हो। सहयोग करेंगे तो विभिन्न लोगों की क्षमताएं अलग अलग हैं, जो सारे क्षमताएं मिल जाएंगे तो मुट्ठी बन जाएंगे और तब आप कमाल कर दिखाएंगे। तो सहयोग की आवश्यकता है। और तीसरा है आत्मविश्वास, जैसे अंग्रेजी में बहुत सारे शब्दों में बोलते हैं, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, ये बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। और अंग्रेजी में बोलते हैं गोइंग एक्स्ट्रा माइल, मीन्स आप काम उतना ही नहीं करिए जो कि कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है। इतना ज़बरदस्त काम कर दीजिए कि चुटकी बजा के काम हो जाए और फिर आप हाथ मलते रह रहे भैया ये तो बहुत छोटा था। तो मन में विश्वास रखिए और आप कामयाब होंगे। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, आप होंगे कामयाब। यही इस गुरु फकीर योगी वृंद्र योगी का आशीर्वाद है। विजयी भव, कल्याण भव, एवमस्तु, धन्यवाद।